हाय फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि अपने विंडोज़ को कैसे फास्ट किया जाए। आप रोज़मर्रा की डेली वर्क करते हैं, अगर उसमें आपका विंडोज़ फास्ट काम ना करे तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आप या फिर विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज़ 8 या फिर अबव यानी कि 10, तो आइए जान लेते हैं विंडोज़ को कैसे फास्ट किया जाए। सिर्फ दो स्टेप, मैं आपको सिर्फ दो स्टेप बताऊँगा, इसके बाद आप खुद देखेंगे आपका विंडोज़ कितना फास्ट काम कर रहा है पहले से। तो स्टेप फर्स्ट है, अपने पीसी को ओपन कीजिए, यहाँ पे जाइए आप सी ड्राइव में, अपने सी ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करें। ये आपका कैलकुलेट कर रहा है, स्कैन कर रहा है, आपकी जो सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स है उसको स्कैन कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप हफ्ते में या फिर एक महीने में 2-3 बार कर सकते हैं, तो इससे आपका डिस्क जो है क्लीन अप रहेगा और आपका जो कंप्यूटर है मशीन्स वो फास्ट चलेगी। यहाँ पे देखने योग्य बात है कि यहाँ पे आपको सारे कुछ चेक करना पड़ेगा, जैसे थंबनेल, टेम्पररी फाइल्स, रिसाइकल बिन्स, ये सारे को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे आपने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है आपसे डिस्क क्लीन अप मैसेज देर, आर यू श्योर वांट टू द परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, यस डिलीट फाइल्स, ओके। ये आपका क्लीन कर रहा है रिसाइकल बिन्स, टेम्पररी फाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस। ये बहुत ही इजी तरीका है, सिर्फ दो स्टेप में आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। आप जस्ट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप हमारे नए वीडियोस, लेटेस्ट जो वीडियो हैं उसको देख पाएंगे और नए ट्रिक्स की जानकारी भी ले पाएंगे। दोस्त आते हैं, यहाँ पे देखिए आप डिस्क क्लीनअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ओके पे क्लिक कीजिए। अब आते हैं दोस्त, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूँगा, आप कंट्रोल पैनल में जाइए। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में कैसे जाएं, यहाँ से आप सर्च पे जाइए, सर्च से जा सकते हैं, सर्च पे आप कंट्रोल पैनल टाइप कीजिए, कंट्रोल पैनल्स, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके डिफॉल्ट मेन्यू ओपन होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 10 मेन्यू डिफॉल्ट में ओपन होते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे फर्स्ट वाला सिस्टम एंड सिक्योरिटी, देख सकते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल अंडर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑप्शन का बटन दिया हुआ है, पावर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ हमेशा रिकमेंड करता है बैलेंस मोड पर, तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में बैलेंस मोड है। आपको क्या करना है, आप हाई परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे, हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका विंडो पहले से कितना फास्ट काम कर रहा है। इजी कोई भी फाइल्स ओपन हो सकती है बहुत ही फास्ट, चाहे वो ब्राउजर सर्फिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।